हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन नमोकर सिनेमा चैनल में। आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन, मेरे साथ है मिस्टर राहुल जैन। और आज हम लोग करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर ड्रीम गर्ल का रिव्यू। तो राहुल जी, आप बताइए, शुरुआत आप करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? नोनी जी, ड्रीम गर्ल जो है एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। आपको याद होगा लास्ट ईयर फिल्म आई थी बधाई हो, वो भी काफी ज्यादा यूज सक्सेस रही थी। और उसके बाद देखा जा रहा है कि इस तरह की फिल्मों का चलन बढ़ गया है। और जो ड्रीम गर्ल का ट्रेलर का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं इसमें भी बधाईयों की झलक दिखाई देगी। बिल्कुल फैमिली ड्रामा फिल्म है। आयुष्मान खुराना वापस आ रहे हैं इसमें, नुसरत बारूचा भी है इसके अंदर। दोस्तों, लीड एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ, अरबाज खान भी है साथ में, अनु कपूर भी देखने को मिलेंगे। अनु कपूर है, लेकिन इस बार जो वो दिखाई देंगे इनके फादर के कैरेक्टर के रोल में दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को एक उम्मीद थी कि विकी डोनर के बाद जो एक आयुष्मान की और अनु कपूर की जो जोड़ी लोग देखना चाहते थे, एक केमिस्ट्री देखना चाहते थे, तो मुझे लगता है इस फिल्म में वो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। गाइस, इसके एक एक सीन वाइज हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि आखिर ट्रेलर हमें कैसा लगा और आपको कैसा फील देने वाला है। सबसे पहले नोनी जी, हम देख पा रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की और रामलीला का सेट दिखाया इसके अंदर। और अभी मतलब एक तरह से 13 सितंबर को रिलीज होने वाली है ये रामायण, एक तरह से दशहरे के करीब का टाइम है। और आयुष्मान इसमें फीमेल के रोल में नजर आने वाले हैं, सीता के कैरेक्टर में दिखाए। तो यार बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर की कंपनी है दोस्तों। अच्छा, सच में आयुष्मान लड़की के गेटअप में अच्छे भी लग रहे हैं, है ना? नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो इनका मेकअप बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे वो गुलाबी गुलाबी लगाते नहीं। और अगर हीरोइन की बात करें तो ये वही है जो हमने सोनू की ट्यूटी की स्वीटी में देखा था, और इनका काम काफी पसंद आया था। और ये सारे मंजे हुए इन्होंने किरदार लिए हुए हैं फिल्म में, अगर हम देख पा रहे हैं। कॉमेडी के लिए बेस्ट माने जाते हैं और ये पूजा पूजा के नाम से मतलब बहुत फेमस है। एक तरह से ऐसे लग रहा है कि ये बच्चा बनना तो लड़की चाहता था, पर ईश्वर ने इसे लड़का बना के पैदा कर दिया। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा है, जो पीछे इन्होंने गाना दिया है फोन के ऊपर। जी जी, और लिखा हुआ है फैमिली एंटरटेनर है। और ये विजय राज है जो एक कॉन्स्टेबल के किरदार में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमेशा दिल्ली क्राइम में भी देखने को मिले थे क्या? हाँ हाँ, ये सीरियस रोल भी करते हैं लेकिन कॉमेडी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर अच्छा, आजकल नोनी जी ये ट्रेंड सा चल रहा है कि लीड एक्टर भी अच्छे होते हैं और साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत मंजी हुई ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब लोकेशंस तो इन्होंने ऐसी ही उन्हीं जगह पर शूट किया हुआ है, बिल्कुल रियल लुक लाने के लिए, रियल लुक लाने के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि ये कम बजट में बनी हुई, जैसे बधाई होती बहुत ज्यादा उसमें बजट खर्च नहीं किया गया, स्टोरी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सेम वही लुक हमें इसमें नजर आ रहा है, ऑप्टिमाइज्ड मनी यूज किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ह्यूज सक्सेस भी होने वाली है। जैसे कि बधाई हो में भी बहुत खर्चा तो नहीं हुआ था, बिल्कुल, लेकिन पता चला। और इसके डायलॉग्स, डायलॉग ये आप देखो ना, अनु कपूर की केमिस्ट्री जिस तरह से दिखाया इन्होंने, फादर के रोल में है, फादर के रोल में। और पूजा के नाम से आयुष्मान बहुत फेमस है इस फिल्म में। हाँ। और ये देख सकते अच्छा, हो अच्छा, पूजा के नाम का राहुल जी इसमें दो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि कुछ लोगों के सामने तो बहुत फेमस है और कुछ के सामने हिडन है ये चीज। हाँ, है ना? हिडन तो जो फैमिली और मेंबर्स उसी से कॉमेडी पैदा होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि कुछ चीजें। और इस बार अगर दोस्त के किरदार में देखे तो हम वो सरदार जी दिखाई देते हैं जो ओए लक्की लक्की ओए से एक तरह से जिन्हें मतलब काम मिलना शुरू हुआ था, और जिन्हें बिल्ले दा बच्चा बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें फिल्म में डांस, कॉमेडी, ड्रामा सभी कुछ है। हाँ। और सबसे इस फिल्म में एक देखो, एक ट्रेलर की अगर हम बात करें तो एक डीमेरिट भी नजर आता है कि सारा कुछ तो आप मतलब फिल्म के बारे में ट्रेलर में ही एक्सप्लोर कर देते हो। तो हो सकता है कि राहुल जी इसके अंदर मतलब एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए इतना दिखाना जरूरी हो, क्योंकि कॉमेडी मूवीज में कुछ ऐसे पंचेस ट्रेलर में डालने जरूरी होते हैं जो कि दर्शकों को अट्रैक्ट कर सके, जिसके बेसिस पर वो फिल्म देखने जाए। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि जितना ट्रेलर में दिखाया गया है फिल्म में उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगा। और 13 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, तो मुझे लगता है ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और इसका जो रिव्यू है आपको हमारे चैनल पर पहले ही देखने को मिल जाएगा, जिससे आप और अच्छे से डिसाइड कर पाए ये फिल्म आपको देखने जाना है, फैमिली के साथ देखने जाना है या नहीं जाना है। वैसे फैमिली मूवी है दोस्तों, सबको लेकर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सबका दिन बन जाएगा। आप लोगों ने ट्रेलर अभी तक देखा है या नहीं देखा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, नहीं देखा तो फटाफट से देख कर आइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करके बेल आइकन। नोनी जी, पहले अपना रिव्यू बताइए कि आप इसका ट्रेलर को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो जो देना चाहूंगा 10 में से मेरे इस फिल्म ट्रेलर को 8.5 रहेंगे जी, मेरे 9.2 रहेंगे इसको। क्या बात है, तो नोनी जी को काफी पसंद आया। मुझे लगता है नोनी जी ने रामलीला में काफी सीता का रोल निभाया है, मुझे तो राम का निभाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ट्रेलर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और साथ ही जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि कल आपको अक्षय कुमार आ रहे हैं
और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, तो प्लीज आप मिस मत कीजिएगा। उनके साथ मसालेदार क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं, बिल्कुल आप देखिएगा कैसे जवाब देते हैं। और साथ ही दोस्तों 14 तारीख को आपको बाटला हाउस एंड मिशन मंगल दोनों के रिव्यू हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे, तो प्लीज आप उन्हें भी मिस मत कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।